दोस्तों नमस्कार। यहाँ से मैं गुजर रहा था, एक फार्मर के पास मैं विजिट में जा रहा था, तो रास्ते में मैं देखा कि ये कुछ देसी खस्सी कुछ भाई लोग कहीं से खरीद के ले जा रहे हैं, और जिस क्षेत्र के आप हैं वहाँ क्षेत्रीय ब्रीड का डिमांड होता है। जैसे आप राजस्थान के हैं तो वहाँ सिरोही गुजरी, उत्तर प्रदेश के हैं तो जमुनापारी बारबरी, हम बिहार के हैं तो यहाँ ब्लैक बंगाल का डिमांड होता है। और ब्लैक बंगाल जो खसियों का रौनक है आप देख रहे हैं, देखते ही बनता है, और इनका डिमांड बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि मटन पर्पस इनका बहुत ही डिमांड है, क्योंकि विश्व में सबसे ज़्यादा टेस्ट अगर किसी का मटन में है तो वो है ब्लैक बंगाल बकरी। और मैं जहाँ तक जानता हूँ कि ये भाई ये नस्ल के नाम भी नहीं जानते होंगे कि ब्लैक बंगाल है, आप जानते थे पहले से नहीं ना, लेकिन ये ब्लैक बंगाल प्रजाति है और ये पूरे बिहार पश्चिम बंगाल उड़ीसा असम में पाई जाती है। और देखिए भाई कहीं से खरीदे हैं, और जो बकरी पालक गरीब किसान हैं वो बकरियों को पालते हैं, उन्हें लगता है कि मैं कहाँ बेचूंगा, तो बेचने का टेंशन बिल्कुल नहीं है। गांव में घूम घूम के भाई लोग खरीदते हैं और ये कहीं दो पैसा इसमें और जोड़कर कहीं बेचेंगे, क्योंकि इनका भी मेहनत लगता है। तो मैं इनसे पूछूंगा कि क्या प्रक्रिया है खरीदने का, किस तरीका से डील करते हैं, ताकि जो नए बकरी पालक हैं या भविष्य में बकरी पालन करने का योजना है थोड़ा सा उनका हेल्प मिल सके कि किस तरीका से इसका सेल होता है, किस तरीका से लोग गांव तक पहुंचते हैं। और एक कुर्बानी का खसी इन्होंने लिया है, कल कुर्बानी है, हो सकता है वीडियो दो दिन बाद भी डला जाए, टाइम का पाबंदी होता है, लेकिन ये कल कुर्बानी है और एक कुर्बानी से एक दिन पहले ये वीडियो बन रहा है, लेकिन वीडियो आप दो दिन बाद भी देख सकते हैं, ये कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन जानकारी भरपूर मिलेगा। दोस्त मेरे, ये जो बकरी आप खरीदे हैं किस गाँव से खरीदे हैं, कुछ पता है आपको? जी मुगलपुरा बीघा से। मुगलपुरा बीघा से, आप भी थोड़ा सा इधर आइए। ये तीन भाई यहाँ हैं और इन्होंने पांच खसी को खरीदा है, और मैं पूछूंगा क्या रेट में इनको खरीदे हैं, किस तरीका से किसानों से इनका सौदा होता है, कैसे पड़ता है, क्योंकि बहुत खींचातानी होता है, सामने वाला सोचता है कि मेरा महंगा बिक जाए, लेने वाले सोचते हैं कि दो पैसा सस्ता मिले तो ताकि मैं आगे बेचकर दो पैसा कमाऊं। गर्मी का दिन है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है इनको। तो मुगलपुरा में अभी हम हैं, मुगलपुरा से खरीदे हैं, तीन लोग हैं आप, तो ये पाँच खसी जो आपने खरीदा है तो एक ही किसान से मिला या घूम घूम? नहीं, तीन को एक किसान से लिए, एक ठो एक किसान से, एक ठो एक से लिए। तो एक तीन एक किसान से, दो एक 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 किसान से, और एक एक अलग किसान से। तो रेट में कैसे आप उन? तीन ठो लिए 40,000 में भैया, एक ठो लिए 15,000 में, एक ठो लिए 10,000 रुपया में। ये 15,000 का है और 40,000 रुपया। ये तीनों जो आप ग्रे वाला देख रहे हैं 40,000 में तीनों है, और ये 10,000 में। तो एक का वजन मैं समझता हूँ कि 30 किलो से कम तो नहीं होगा? हाँ, 30 किलो से कोई कम नहीं है, जिंदा जिंदा 30 किलो, लाइव बॉडी वेट 30 किलो से कम नहीं है। तो वजन पर दिए या इसे हुंडे? हुंडे कीने हैं सर। तो जिसे मान के चलिए कि 40,000 में तीन हो गया, तो 12 तृतीया 39, 13,000 कुछ रुपया आपका लगा एक खस्सी का, ये 10,000 में और ये 15,000 में। तो जो 15,000 में आपने लिया है इससे कहीं ज़्यादा आपको 13,000 वाला ही पड़ गया, तो ये धंधा है आगे पीछे हो जाता है। तो किस तरीका से किसान से आप बात करते हैं? किस तरीका से? वो बोलते हैं, दाम पूछते हैं कितना लेना है, तो वो बोलते हैं कि हम इतना देंगे, वो बोलते हैं कितना लेगा, वही बोलते हैं, तब वही छोड़ा बड़ा होकर किनाता है सर। आप इसको लिए हैं और कहीं फिर कुर्बानी में आप इसे दो पैसा इस पर और रख कर बेचेंगे? हाँ, ये आप हर साल का काम है करते हैं? करते हैं। कमाई अच्छा खासा हो जाता है? हाँ, हो ही जाता है सर, कभी घाटो लगता है कभी फायदो खूब होता है सर। हाँ, बिजनेस में तो घाटा फायदा होता है, कच्चा रोजगार है। तो ये पांच आपने अभी खरीदा, तो पांच ही लिए हैं कि इससे और पहले भी खरीदे? पहले ले गए 25-30 खस्सी ले गए इस गांव से। हाँ, इस गांव से। हाँ, तो कितना का लगभग इस साल बिजनेस का प्लान है, कितना संख्या? 5 लाख के 6 लाख के खस्सी ले चल चुके हैं। 6 लाख का खस्सी लगभग खरीद लिए। खस्सियों का संख्या कितना है? खस्सी का बहुत संख्या है, फिर भी कितना खरीदे? बोल रहे ना 30-40 खस्सी ले गए। 30-40 खस्सी इसी गांव से आपको मिल गया, यानी यहां बकरी पालन ज्यादा मात्रा में होता है। हाँ, अभी बनी हुई है। मैं ये कहूंगा कि जिसे आप खरीदने वाले हैं बहुत दिन से, पिछले कितने दिनों से काम कर रहे हैं? हम बच्चे से खरीदे, कम से कम हमारा उम्र 12 साल का था ना, जब से पापा के साथ खस्सी बकरी का बिजनेस कर रहे हैं। अभी 27 साल हो गया उम्र, 27 साल उम्र हो गया, बचपन से ही अपने पिताजी के साथ आप लगे हुए हैं। रोजगार बहुत तरह का है और बकरी पालन का ये चैनल है, तो मैं बकरी पालन संबंधित बातें बता रहा हूँ। तो जो किसान बकरी पालन करते हैं, क्या उनको कभी बेचने में दिक्कत आता है सामान? नहीं, नहीं, कुछ बेचने में ना, दाम करते हैं, पैसा देते हैं, कोई लप टाव नहीं होता है सर। मैंने कोई भी बिजनेस जो करते हैं इंसान, अगर बकरी पालन भी कोई कर रहा है तो बेचने में उनको दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, हम खुद आकर आपका घर पर से ले लेंगे। आप कहाँ के रहने वाले? बख्तियारपुर हमारा घर है। बख्तियारपुर अपना घर है आपका, और कोई अगर बख्तियारपुर यानी पटना जिला में
कोई आपसे संपर्क करे पटना जिला नालंदा जिला, अगर सही रेट देते हैं तो आप उनसे खरीद लेंगे? हाँ, हाँ, सर, हाँ, बहुत जगह जाते हैं, तो मोबाइल नंबर अपना बता दीजिए ताकि जो भाई देख रहे हैं किन्हीं का अगर तैयार है तो अगला कुर्बानी में या बीच में भी आप चाहें तो ले सकते हैं। हाँ हाँ सर, हाँ सर, सब दिन खरीद सकते हैं। अब छोटा बड़ा हमारा दुकान भी है, मटन का दुकान है। हाँ हाँ, मटन भी बेचते हैं। दोस्तों बिल्कुल, अगर आप बकरी पालन करते हैं तो बिल्कुल ऐसे लोगों का नंबर होना चाहिए ताकि अगर आपको सेल करना हो तो एक वाजिब रेट मिल रहा हो तो आप बेच पाएं। हाँ। तो कृपया दर्शकों को अपना नंबर बता दें। नंबर बता दो, मोबाइल नंबर बताइए अपना। हाँ आराम से बताइए। 70 61 36 45 89 70 61 36 36 45 89 89। अगर आप मोबाइल नंबर अगर सुन लिए होंगे तो ठीक है, नहीं तो दो बार वीडियो आगे पीछे करके सुनेंगे आपको नंबर याद आ जाएगा। तो भाई से संपर्क करके आप अपना सामान को बेच सकते हैं, इनका सब दिन का काम है और बेचने में आपको दिक्कत नहीं होगा। और रेट का क्या है वो तो आप आपस में मिल के बात कर सकते हैं, है ना? आएगा सर, वो इसी का ना पैसा हम लोग देंगे, बोलिए। तो इससे साफ जाहिर होता है कि खरीदने वाले बाजार में घूमते हैं, खरीदने वाले गांव में घूमते हैं और आसानी से ये सामान बिक जाता है यदि आपने सही ब्रीड पे काम किया है, यदि देसी पे काम किया है। ये देसी बकरी आप खरीदें जिसका ब्लैक बंगाल प्रजाति की बकरी है, अगर बड़ा बड़ा कान वाली सिरोही सोजत वगैरह मिलती है तो पहले वो खरीदते हैं या पहले ये खरीदते हैं? ये खरीदते हैं सर, इसका ज़्यादा डिमांड है हमारे गाँव में जी, है ना? बिहार में सबसे ज्यादा मांग है, सो रही सबका बिक्री नहीं है सर। दोस्तों यदि बकरी पालन कर रहे हैं तो देसी का प्राथमिकता दें क्योंकि देसी बेचने में आपको आसान है, क्योंकि हाँ। बड़ा कान वाला मिलेगा तो उसे आप बाद में खरीदेंगे, पहले ही से लेंगे, इससे पहले लेंगे, दो पैसा इसका महंगा भी आप देंगे। हाँ हाँ सर, क्योंकि आपको आगे बेचने में आसानी होगी, है ना? हाँ। तो दोस्तों एक कुर्बानी के लिए खस्सी ले जा रहे हैं, 40-50 खस्सी इन्होंने और खरीदा है, गांव में घूम घूम के एक दो खस्सी करके इकट्ठा करते हैं और इस पर जो भी मेला में जाके बेचते हैं या ग्राहक बना हुआ पहले से रहता है? मेला में बेचते हैं, फिर ग्राहक बना हुआ रहता है, बोलते हैं तो दे देते हैं जाकर घर पे, खस्सी घर पे पहुंचा देते हैं। अगर कोई खरीदने वाले भी आपसे संपर्क करें तो आप उन्हें दे देंगे? हाँ, हाँ। तो जो भाई अगर लेने वाले हैं जिनको जरूरत है अभी अगले साल या बीच में भी कोई पर्व त्योहार में आवश्यकता है तो पार्टी वगैरह के लिए मटन की आवश्यकता है तो भाई से मोबाइल नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके आप इनसे खरीद सकते हैं। यदि आप पटना जिला के हैं, नालंदा जिला के हैं, यानी पटना जिला के नियरेस्ट हैं तो आसानी होगा इन्हें पहुंचाने में, या दूर से हैं तो आपको आना होगा। हाँ, यही ना? हाँ, सर। भाई वाजिब रेट लगा देंगे। हाँ। तो आप एक ऐसे ही मैं बात के मतलब पूछ रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे आपने 15,000 में लिया, कितना तक में आपको लगता है कि आप अपने अगले ग्राहक से कितना तक में बेच लेंगे? वही 16-17-18 देगा तो दे देंगे भैया, हमारा भी 1-1.5-2,000 फायदा आएगा तो दे देता। बिल्कुल बचना भी चाहिए क्योंकि आप एक अच्छा रोजगार कर रहे हैं और इसमें पूंजी आपने लगाया है, किसान उधार तो आपको देता नहीं, नहीं है सर, तुरंत सामान लिए पैसा दीजिए, ये उधारी का बिजनेस है ही नहीं। नहीं नहीं, उधार का बिजनेस नहीं है सर। एक मैं आपको बता दूं, सूखा गेहूं जो आप खिला रहे हैं अभी बकरियों को, सूखा गेहूं आपने खिलाया तो कभी भी सूखा गेहूं अगर आप खिलाते हैं तो तुरंत इन्हें पानी ना पिलाएं? नहीं नहीं, इसको खिलाइए तो 10 मिनट के बाद पानी, 1 घंटा कम से कम रुक के, 1 घंटा रुक के पानी पिलाएं। अगर यदि कभी बकरियों का पेट फूल जाए तो उसे आप क्या करते हैं फिर? दवाई देते हैं सर, गैस का दवाई देते हैं। तो कभी बकरी का पेट फूल जाए तो अपने वेटनरियन से जरूर राय ले लें, लेकिन मैं एक एडवाइज करूंगा यहाँ जो बेचारे जानना चाहते हैं, अपने अनुभव के आधार पर बताना चाहूंगा कि जब बकरियों का पेट फूल जाए पहली बात तो दाना अगर सूखा दिए हैं तो 1 घंटे बाद ही पानी पिलाएं, और अगर पेट फूल जाए तो ब्लोटोसिल सिरप 1 किलो बॉडी वेट पे 1 ml के हिसाब से 2-2 घंटे में 2 बार पिला दें, और खाने का सोडा लगभग 20 ग्राम इन्हें खिला दें, पेट का गैस खत्म हो जाएगा। इसके आगे जो भी आपका अनुभव है वेटनरियन का राय लेके इलाज कर सकते हैं। ये जानकारी के लिए मैं बताया, थोड़ा अपना बात आप तक शेयर किया ताकि आपको लाभ हो सके, है ना? सर, हाँ सर। तो दोस्तों क्षेत्रीय पर यदि कोई काम करता है तो नुकसान नहीं है, इस तरीका से भाई घूम घूम खरीदते हैं और मैं रास्ते से गुजर रहा था तो इनका कि मैं वीडियो बना दिया, ठीक है? इसी तरीका से जो आप लोग के बीच में वीडियो आते रहेगा, मकसद है कि आप लोग का भलाई कर सकूँ। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।